जय चंद्र मौलेश्वर। मेरा नाम मौलेश चंद्र प्रकाश चंद्र जोशी। मैं यहाँ पे भगवान चंद्र मौलेश्वर महादेव की पूजा करता हूँ। मैं भगवान का इतिहास आपको सुनाऊँगा। ये भगवान का जो शिवलिंग है वो पानी के जैसे बुलबुले होते हैं, ऐसे ये बुलबुले आकार का शिवलिंग अपने आप यहाँ पे स्वयंभू रचा हुआ है। शिवलिंग का जो आकार है वो पानी के बुलबुले जैसा है, इसलिए भगवान को यहाँ पे परपोटिया महादेव, हमारे गुजराती में जो बुलबुले होते हैं पानी के उसको गुजराती में परपोटिया बोलते हैं। तो भगवान का एक लाडला नाम परपोटिया महादेव नाम से जाना जाता है। इसका जो स्वरूप है वो पानी के बुलबुले जैसा है। और इसका चमत्कार क्या है कि ये जो शिवलिंग है ये छोटे छोटे बुलबुले आकार के शिवलिंग है। इसकी अगर आप गिनती करेंगे तो उसकी गिनती हर बार बदलती जाती है। इसका दूसरा महत्व ये है कि पूरा जो शिवलिंग है उसके बीच में चंद्रमा असर करता है। आकाश में जो यहाँ पे चंद्रमा है हमारी पृथ्वी की भ्रमण कक्षा से लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर है। वो चंद्रमा महादेव की दीवार के आर पार भगवान शिव महादेव जी के चंद्रमौलेश्वर महादेव के शिवलिंग के ऊपर बीच में एक जगह पे वो असर करता है। और चंद्र जैसे अपनी कला कम और ज़्यादा करता है, पूर्णिमा को चंद्र जब बढ़ेगा तो यहाँ पे भी चंद्र का दर्शन यहाँ पे बढ़ेगा। और जैसे अमावस आएगी चंद्र दर्शन कम होगा, यहाँ पे भी शिवलिंग के अंदर चंद्रमा का जो असर है वो कम होने लगेगा, काला होने लगेगा और काला हो जाएगा। भगवान का जो इतिहास है वो पांडवकालीन है, पांडव ने इसकी पूजा की हुई है। और दूसरा, भगवान का जो मंदिर है वो मंदिर सयाजीराव गायकवाड़ ने बनवाया था। और इसका मंदिर का जो निभाव करने के लिए, मंदिर के निभाव के लिए सयाजीराव गायकवाड़ ने यहाँ पे दो गांव यहाँ पे दिए थे भगवान के निभाव के लिए। और सयाजीराव गायकवाड़ ने ये मंदिर शिवलिंग खुदाई करते वक्त निकला था और उसके ऊपर ये मंदिर बनवाया है। और ये लगभग मंदिर 300 या 400 साल पुराना है। और जो शिवालय के अंदर शिवलिंग है वो लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। जय चंद्र मौलेश्वर। हूँ मौलेश चंद्र जोशी, मौलेश प्रकाश चंद्र जोशी। अमारे यहाँ मंदिरनू भगवाननू अहीं महत्व जाणीने जे भक्तजनों आव्या छे, कुलवृक्ष संस्था जी आव्या छे, एनो खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार। अहीं कुलवृक्षनू जे संस्थानू जे कार्य छे कि पहेलाना समयमां कोईपण ज्ञाति कुटुंब माटे दरेक जग्याए बारोटनी प्रथा हती। कुल पुरोहित हता, यात्राधाममां आपणे जईए तो त्यां आपणा कुल पुरोहित मळे અને આપણી પૂજા કે આપણા વડવાઓએ યાત્રા કરી હોય, દાન કર્યું હોય, દક્ષિણા આપી હોય, પૂજા કરાવી હોય એની એમને નોંધ રહેતી હતી। પણ અત્યારના સમયમાં એવું બધું અત્યારે રહ્યું નથી। તો અત્યારે પણ આ જે કાર્ય છે, ભગીરથ કાર્ય જે કહેવાય કે કુલવૃક્ષ સંસ્થાએ અત્યારના આધુનિક સમયમાં અત્યારની જરૂરિયાત મુજબ જે કાર્ય એમણે અત્યારે હાથમાં લીધું છે કે એનું ડિજિટલાઇઝેશન કરીને અત્યારની પેઢીને માન્યતાને અનુરૂપ એને સુસંગત આ રીતે જે કાર્ય કરે છે એ વિશે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને એમને આગળ વધો અને ભગવાન મહાદેવજી એમને પ્રેરણા આપે અને આગળ એમને સારું કાર્ય કરી શકે એ બદલ આભાર।